गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाला हूँ गाइस। तो गाइस बहुत दिन से देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो बन रहा है कि क्या ओटी स्ट्रीम बार बार खोलने से चैनल डेड होता है, क्या व्यूज डाउन जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही आज बात करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो बिना स्किप किए वीडियो देखना, ठीक है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए, बहुत लोगों ने वीडियो बना लिया कि ओटी स्ट्रीम बार बार मत खोलिए, चैनल डेड हो जाएगा, व्यूज डाउन जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है ना, ये सेलरों की धमकी की वजह से हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप दिन में 100 बार खोलो, चाहे 10 बार खोलो, चाहे 1000 बार या 1,00,000 बार खोलो, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग का चैनल डेड हो जाएंगे और व्यूज डाउन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले साल भी हो रहा था, बहुत लोगों के साथ, बहुत क्रिएटर के साथ हुआ था। ये जो एल्गोरिथम जो होता है यूट्यूब का, वो थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम चेंज हो गया, तो इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो व्यूज इसलिए डाउन जा रहा है सबका, ठीक है। यूट्यूब की तरफ से एल्गोरिथम जो है वो चेंज हो गया है, तो इसके कारण व्यूज डाउन जा रहा है। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते रहिए, काम करते रहिए लगातार, ठीक है। व्यूज डाउन जा रहे हैं, ऐसे करके आप लोग वीडियो मत छोड़िए, वीडियो बनाना मत छोड़िए, आप लोग काम करते रहे, मेहनत करते रहे लगातार। और आप जितने बार चाहो यूट्यूब का स्टूडियो आप खोल सकते हो, आप लोग आपका देख सकते हो। अगर देखिएगा यूट्यूब ने स्टूडियो किस लिए दिया है, एनालिटिक्स को हम लोग शो करने, देखने के लिए ये यूट्यूब ने बनाया है, ठीक है। आप लोग बार बार देख सकते हो, कोई इससे कोई चैनल डेड नहीं होगा, कोई व्यूज डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण तो मैंने बता दिया। तो गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो भाई को एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।